हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई वी आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों मैंने शादी की सारी वीडियो आपसे शेयर कर दी और ये मैं कर रही हूँ आपसे अपनी जर्नी, वापसी की जर्नी की वीडियो शेयर। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं भोपाल का जो पहले हबीबगंज था, अब उसका नाम है रानी कमलापति स्टेशन। तो ये रानी कमलापति है, ये एकदम देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। तो इस बहाने मैंने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को अकेले आना पड़ा क्योंकि हम लोगों का जो महाराष्ट्र भुसावल से जो रिजर्वेशन था वो हम लोगों की टिकट कैंसिल हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था जून में। तो ये हम लोगों ने दूसरी टिकट करवाई। तो ये टिकट मेरी और निशी की करवाई क्योंकि मेरे पतिदेव को विदिशा से उनकी मम्मी को लेते हुए आना था, तो ये ट्रेन विदिशा नहीं रुकती। तो ये देखिए इतना भारी भरकम सूटकेस मुझे लेके अकेले आना पड़ रहा है, पर ठीक है कोई नहीं, इतना एडजस्ट कर लेते हैं हम। और ये देखिए फिर हम लोग जा रहे थे अपने ना जेठ जेठानी के घर, बड़े वाले भोपाल में हैं जो। तो ये देखिए ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो वाला इतना तेज़ भगा रहा था जैसे इसकी ट्रेन छूट रही हो तो ये देखिए, लेकिन लग बहुत सुंदर रहा था, कितनी अच्छी हरियाली और मौसम भी ठीक ठाक था। तो बस हम लोगों की दूसरी ट्रेन थी यहाँ से फिर दिल्ली तक के लिए, ये है शताब्दी। तो दीदी और भाई सब छोड़ने आए थे हम लोगों को, चलो दिल्ली जाना, दिल्ली तुम भी आ जाओ। हाँ हम जा रहे दिल्ली, हम सब जा रहे दिल्ली जाने, ऐसे घुमाने दिख नहीं रहा, बड़े पापा नहीं दिख रहे, सारे दिल्ली आगे बस। तो रानी कमलापति से हमारी ट्रेन चल रही है और दीदी और भाई साहब वगैरह को कर दिया बाय बाय। ये भी थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ा सा और उबालने के लिए हम टाइम देंगे इसको। तो मिसी ने बोला थोड़ी सी आप भी खा के देखो, तो थोड़ी सी मैं भी खा के देख रही थी ये कप नूडल मैगी। तो वैसे तो मुझे अच्छी देखने में नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे खा के देखी ना बहुत टेस्टी लग रही थी। और ये देखिए हम लोगों का इवनिंग टाइम का नाश्ता भी आ गया था। तो शताब्दी में ये देते हैं नाश्ता और डिनर लंच वगैरह। तो हम लोग दोपहर में बैठे थे तो हम लोगों को ये ब्रेकफास्ट आया था शाम का। तो मिसी को देखो सब्र नहीं हो रही, फिर भी ना पेट भरा हुआ है तब भी है ना, ये देखो ये क्या है, सैंडविच था इसमें, हाँ सैंडविच खोल रही है फिर भी। मुझे हंसी आ रही थी कि भरती जा भरती जा भरती जा, पेट तो किराए का है। क्यों टेस्ट करती तुम मेरा पेशेंट, कल को टेस्ट करती थोड़ा सा नाश्ता करके मैं भी सो गई थी, नींद लग गई थी मेरी। तो मैं इस ट्रेन में बोर हो रही थी, मुझे तो खुली हुई खिड़की पसंद है, ये एसी वाली खिड़की पसंद नहीं आती मुझे। यात्री कृपया ध्यान दें, शताब्दी एक्सप्रेस में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों का भारतीय रेल हार्दिक स्वागत। और ये निशी का मुँह अभी भी बंद नहीं हो रहा है, देखो इसने कर खा रही है, और पीछे वाली दीदी देखो कैसे देख रही है जैसे इसके पैसे भी खा रही हूँ। तो हमारा खाना आ चुका है, यहाँ पे है दाल, तो यहाँ दाल डिश लिखा इधर, और फिर यहाँ पे है शायद आलू की सब्जी है, ये दही है, ये रोटी है, और ये है राइस, ये है दाल, ठीक है मतलब दो दाल है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी
सॉरी आराम से मैं उठाती हूँ। और यहाँ पर देखिए आउटर में बहुत देर धीरे धीरे घसीटती जा रही थी ट्रेन और मैं हो रही थी बोर क्योंकि मैं अभी तक मेरा आलस नहीं उतरा, मुझे इतनी थक गई थी मैं इसमें बैठे। अभी हमें पापा लेने आएंगे, पापा दादी और कजन सिस्टर। देख लो पापा जी, छोड़ो वो तो करेगी, चलो और देखिए यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे आदर्श पतिदेव आ गए हैं सूटकेस लेने और बहुत खुश भी लग रहे हैं क्योंकि मम्मी भी है ना साथ में, इसलिए ये दीदी अम्मा के पास जा रही है और ये अम्मा के पास पहुंच गई। सोने भी नहीं दे रहे, इसका क्या पता क्या मंगाया था, क्या आ गया मंगाया। तो खोलते हैं। मेरा गेम आ गया। सोते तो उठा लेंगे, बड़ी मम्मी वीडियो बना लो मेरी पहले। बता क्या है? यहाँ कुछ बोलते थे? बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड।
रतानी का गेम मंगाया था, आ गया था, फिर सब नहीं हो रही, मैंने कहा नीचे दिया जाता खोल लो, मैं सो गया। मर्डर कर दिया उसको पैकिंग का। क्रॉस वाइट लगी। आज ही खुलेगी। कल तक खुलेगी। कल तक खुलेगी। देखिए इसमें ऐसा बोल्ड आया है ये, और लेटर्स आए हैं इसके साथ। ये है। ये है। लेटर्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये टी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 3 है। तो दिखा तो क्या, देखिए आर की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, और ये जेड की वैल्यू 10 है, एम की 3 है। ये कहीं खेला है तुमने? हाँ, मेरी फ्रेंड के पास था। इसे चार लोग खेलते हैं, तो इसमें ये चार वो हैं, दो भी खेल सकते हैं। तो जैसे हम दीदी और मैं खेल रहे हैं, हमको यहाँ से 7 ऐसे हमने इनको पूरे से उल्टा करके रख देंगे, ताकि इसके जो लेटर्स हैं वो हमें ना दिखे। जो ये ऐसे हैं, इनको ऐसे करके रख देंगे, ताकि वो हमें ना दिखे। अभी आप लोगों ने रख दिया, अब हम इसमें से 7 उठाएंगे। अभी मैंने मेरे पूरे 7 लेटर्स ले लिए हैं, मेरे पास ई आई एफ जेड ई ई ई, मेरे पास ई ही आए हैं। अब इस बोर्ड पर ये लिखा देखो, ट्रिपल लेटर स्कोर और डबल लेटर स्कोर। अब इससे जैसे तेरी कोई स्पेलिंग बन रही है? मेरी कोई स्पेलिंग बताओ क्या है? जी जी टीवी। तुम्हारी हाँ, गिरी गई तुम्हारी तो गिरी। अच्छा ये हाँ। चलो तो दोस्तों आपको समझ में आया हो तो ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आया। वैसे गेम इन लोगों को पसंद है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। सो फ्रेंड्स, मेरा गेम आपको कैसा लगा? ये है ना इंटरेस्टिंग, इसमें आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश, आप वर्ड्स जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए आपको समझ आया कि नहीं। बाय बाय।